जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल जो फायरमैन की आपके रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी आई थी हाल ही में उसके बारे में। दोस्तों काफी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वीरीज आ रही थी, चाहे आपके फिजिकल डेट के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके रनिंग के रिगार्डिंग हो, रिटर्न के रिगार्डिंग हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो परेशान थे इस चीज को लेकर के कि और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग स्पेशली और आपके रनिंग यानी फिजिकल डेट के रिगार्डिंग स्पेशली जो क्यूरीज थी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो फिजिकल है आपके यानी सीआईएसएफ कांस्टेबल जो फायरमैन की जो रनिंग होने वाली है, जो रिटर्न होने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, इन सारी चीजों के दोस्तों जो डाउट्स होंगे आपके मन से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी आई थी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की, इसमें लगभग आपके 1149 यानी 1150 पोस्ट थे और इस वैकेंसी में केवल मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल थे जो कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे और इसमें लगभग आपके 8 से 9 लाख जो फॉर्म है फिलअप किए गए हैं और एक अप्रोक्सीमेटली एक तरह से बता सकते हैं कि लगभग आपके इसमें से 1 लाख के आसपास जो फॉर्म होंगे वो इनकरेक्ट यानी कि उसको छांट दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, लेकिन जब आप फिजिकल देने जाओगे, जो आपका पहला स्टेज है फिजिकल जब आप देने जाओगे तो वहां पे जब आपका डॉक्यूमेंटेशन से डॉक्यूमेंट्स आपके जो मैच कराए जाएंगे और उसके बाद जब मैच नहीं होगा तो फिर आपको वहां से आउट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने भी गलती कर रखा है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का फॉर्म को फिलअप करने में तो दोस्त एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने जो एक्नॉलेजमेंट पेज है आप उसको एक बार मिला लीजिए, क्योंकि आपने जो एक्नॉलेजमेंट पेज में फिलअप किया था ना सेम उसी तरह का आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी प्रिंट आएगा। तो अगर उसमें कुछ गलती हो रही है और बेसिकली एक और प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग कि जो आपके फोटोग्राफ्स बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो डेट है वो कुछ इनकरेक्ट हो गया है मेरा, तो दोस्त वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे जाकर के मैनेज करा सकते हो। लेकिन जिन लोगों का जैसे कि नाम हो गया, नाम के स्पेलिंग में गलती है, फादर्स के नेम के स्पेलिंग में गलती है, मदर्स नेम के स्पेलिंग में गलती है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी दोस्तों जैसा अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल डेट के बारे में और फिजिकल के बारे में। दोस्तों बेसिकली अभी जो आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी की जो रनिंग है वो चल रही है आपके और इसमें डिफरेंट आपके पोस्ट थे, सीआईएसएफ था, एसएसबी था आपके और बहुत सारे वैकेंसीज थी पोस्ट की असम राइफल्स की, आईटीबीपी की, और इसकी दोस्तों जो रनिंग चल रही है ठीक इसी तरह से आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की भी रनिंग होगी। तो अगर अभी तक अगर आपने रनिंग नहीं कर रखा है तो दोस्तों बहुत सारी समस्या आ रही है। अभी एसएससी जीडी की जो रनिंग हो रही है उसमें स्टूडेंट्स को 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी एडवाइस आपको दे दूं कि जो रनिंग आप करने जाओगे, जब भी आप रनिंग करने जाओ 5 किलोमीटर की रनिंग की बात हो तो स्टार्टिंग जो है आप स्लो पॉइंट से करो, यानी आप धीरे धीरे स्टेप्स को खोलना शुरू करो। ये नहीं कि आप एक ही बार में देखते हुए कि अगला बंदा भाग रहा है तेज तो मैं भी भाग जाऊं, नहीं, थोड़ी सी स्पीड आप स्लो रखो, उसको जा रहे आगे जाने दो, आप उसके पीछे रहो, धीरे 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 आपका बॉडी खुद ब खुद हीट हो जाएगा और आप इजिली जो है आप 5 किलोमीटर की रनिंग डन कर लोगे। मैं गारंटी देता हूँ 18 मिनट्स और 20 मिनट्स के अंदर अंदर, अगर केवल आप स्टेप पकड़े रहे, दूसरों को फॉलो नहीं करना आपको कि उसको पकड़ के मैं चलूंगा, भाई सबका स्टेमिना अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी एसएससी जीडी के अंदर जो रनिंग हो रही है इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट हो जा रहे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि जो स्टार्टिंग हो रही है उसी में उन्होंने पूरा अपना एफर्ट लगा दिया, काफी तेज दौड़ गए और फिर आगे जाकर उनको समस्या हो जा रही है और वो छट जा रहे हैं 2-3 किलोमीटर के बाद, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है सीआईएसएफ के अंदर अंदर, अन्यथा जो वैकेंसी है वो लिमिट है और आपको छटने का भरपूर चांस है कि आप थोड़ी सी गलती करोगे आपको आउट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते दोस्तों फिजिकल डेट के बारे में, तो फिजिकल डेट के बारे में बता दूं कि आपकी जो एसएससी जीडी की जो रनिंग थी ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है यानी 18 तारीख से मई के मंथ में और ये चलेगी आपके जून के मंथ तक। तो दोस्त अभी जो है आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के जो रनिंग की संभावना है वो बिल्कुल नहीं है। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका अप्रैल लास्ट तक या फिर मई में आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी की रनिंग होने की वजह से और इसके अंतर्गत आपकी सीआईएसएफ की वैकेंसी होने की वजह से जो सीआईएसएफ कैंप्स वगैरह हो गए वहां पे रनिंग अभी कंटिन्यूअसली चल रही है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो रनिंग डेट के बारे में तो ये दोस्तों आपको अगस्त में जो है हो सकती है, यानी उसको 100% होने के चांस है आपके अगस्त में, क्योंकि जुलाई तक हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाए, क्योंकि इस वैकेंसी के बाद अभी फिलहाल किसी भी फोर्स की अभी फिजिकल नहीं है, तो आपको जो बचा हो सीआईएसएफ का फिजिकल बचा है और एक एसएसबी का जो फिजिकल है वो बचा है, लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों का फील्ड्स अलग अलग हैं, तो आपका जो फिजिकल का मेन प्रोबेबिलिटी बनता है ये दोस्तों बनता है आपके अगस्त के मंथ में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज कि आपका दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो 10 डेज बिफोर आपके एग्जामिनेशन आएगा, यानी जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो यानी आपके एग्जामिनेशन से 10 डेज बिफोर जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 21 डेज बिफोर, लेकिन नहीं, आपका दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो 10 डेज बिफोर ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, क्योंकि दोस्त अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं
रहा, फिजिकल देने गए और आपने फिजिकल क्लियर भी कर लिया तो अभी आप वहाँ से आउट हो जाओगे बिना इन डॉक्यूमेंट्स के अगर आप गए तो। क्योंकि ये दोस्तों जो है ये नोटिफिकेशन में ही आपके मेंशन किया गया है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको फिजिकल देने नहीं जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी कन्फ्यूजन आ रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टेंथ का जो आपका मार्कशीट होगा, पासिंग आउट सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन होगा, जो भी आपका टेंथ से जुड़े हुए सर्टिफिकेट्स है, एडमिट कार्ड होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेने हैं। यानी टेंथ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट आप कैरी कर लोगे अपने साथ में। इसके बाद दोस्तों आपको अपने साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो है कैरी करना है, लेकिन आधार कार्ड आपको मस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो एक और जो जरूरी है आपका, ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन आ रही थी कि जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी निवास सर्टिफिकेट है हम कहां से बनवाएं, ब्लॉक से बनवाएं, सेंट्रल लेवल पे बनवाएं या फिर हम सेंट्रल स्टेट लेवल पे बनवाएं, कहां से बनवाएं। तो दोस्तों आपका किसी भी लेवल पे हो चलेगा, ऐसा उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि आप सेंट्रल लेवल पे ही आओगे तो ही आपका एलिजिबल हो, अन्यथा आप नहीं हो। तो अगर आपका ब्लॉक लेवल भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो एक और डॉक्यूमेंट है आपका, जो कि आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है। जैसे आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे एसटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसको ले लोगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपने कहीं फायरमैन की वगैरह की एक्सपीरियंस यानी ट्रेनिंग कर रखी है कोई चीज़ों में, तो आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी ले लोगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक होगी आप उस डिस्चार्ज बुक को भी अपने साथ कैरी करोगे जब आप रनिंग देने जाओगे। क्योंकि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में डायरेक्टली देख सकते हो किस चीज़ को मेंशन किया गया है कि आपके जैसे ही रनिंग कंडक्ट कराई जाएगी उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा, वहाँ पर आपके हाइट वेट को मापा जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा और उसके जस्ट बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस होगा। तो यानी डॉक्यूमेंट आपको मस्ट होना चाहिए आपके पास, अन्यथा आप रनिंग क्वालिफाई करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। और एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें पोस्ट कम है, अगर आप माइनर गलती करोगे तो आपके आउट होने के जो चांस है वो 100% है, ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ये हैं जो मैंने बताया आपको, ये डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसी के साथ दोस्तों जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लोगे तो आपको एक और चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, जो कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। क्योंकि आपका बेसिक जो स्कोर बनेगा ना, बेसिक जो आपकी मेरिट बनेगी, रिटर्न के बेसिस पे ही बनेगी। क्योंकि काफी सारे दोस्तों स्टूडेंट्स जो है 5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसको इजिली डन कर लेंगे, और पोस्ट की संख्या को देखते हुए आपको बेसिक जो फोकस करना है आपको करना है अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर। रिटर्न एग्जामिनेशन के दोस्तों आप कोई भी फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर कर सकते हो सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल के लिए, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, या फिर दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल रखा है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, उसका के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो। फिर आप अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे है, जहां से दोस्तों आपको जो भी अपडेट्स होंगे सीआईएसएफ से स्पेशली जुड़ी हुई आपको वहां से मिल जाएगी। और एक स्पेशल ग्रुप ही है सीआईएसएफ वालों के लिए मैं क्रिएट किया हूं, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाए। तो दोस्तों बेसिक डिटेल्स आपको यही थी सीआईएसएफ से जो अभी वैकेंसी निकली थी आपके मेल कैंडिडेट्स की, फायरमैन की, दोस्त यही बेसिक डिटेल्स थे। और बाकी कोई भी अपडेट अगर आता है, नोटिफिकेशन आता है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आई होप दोस्तों कि आज का दोस्तों वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।